नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऊपर जो फिश फार्मर से जुड़ा हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक होगा ये टॉपिक विशेषतर से आज हमारा लोकल कल्चर का ऊपर होगा। आप ये फार्मिंग जो लोकल विशेषतर से बहुत सारे फार्मर लोकल फार्मिंग कर रहे होंगे, लेकिन वो फुल्ली प्रोफेशनली फिश फार्मिंग के हिसाब से नहीं कर रहे होंगे। आज हम बताएंगे कि ये कल्चर किस हिसाब से आप प्रोफेशनली करके बहुत बेहतर इनकम कर सकते हैं और इससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो आज हम आप जो मेरा टॉपिक होगा ये होगा कि शीतल मछली का ऊपर कैसे हम प्रोफेशनली फिश फार्मिंग करके बेहतर इनकम कर सकते हैं। तो हर एक चीज इसका ऊपर हम बताएंगे कि इसको आप कैसे कर सकते हैं और इस चीजें कैसे किया जा सकता है। तो आज तक मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है और जितना तक मैंने देखा है ये ट्रेडिशनल सिस्टम में करते आए हैं। आज 2500 साल पहले से जो लोग जिस हिसाब से कर रहे थे उसी हिसाब से आज का डेट में भी कर रहे हैं। तो अभी जो टाइम है ये टाइम बदल रहा है, इसको भी आप फुल्ली क्या कर सकते हैं कि प्रोफेशनल सिस्टम में करके बेहतर इनकम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि आप ये कल्चर किस हिसाब से करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हम हर एक इसको टेक्निक बताएंगे या हर एक प्रक्रिया बताएंगे जिस प्रक्रिया को आप एडॉप्ट करके या जिस प्रक्रिया को आप मानकर आप बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पहला बात याद रख लीजिएगा, शीतल मछली को क्या करना पड़ेगा, आपको सीड सिलेक्शन करना पड़ेगा। शीतल मछली का सीड सिलेक्शन बहुत अच्छा से ही आपको करना पड़ेगा और शीतल मछली विशेषतर से कितना एरिया में किया जा सकता है इसका ऊपर भी हमको बात करना है। दोस्तों शीतल मछली आप एक बीघा में 600 kg तक आप क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट मतलब एक बीघा फिशरी में शीतल मछली को 600 kg तक आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप शीतल मछली को कौन सा साइज पे निकाल के आप बेचना चाहते हैं वो आपका ऊपर निर्भर करेगा। आप इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि जिस जगह पे ये शीतल मछली का जो फार्मिंग कर रहे हैं वहां पे शीतल मछली का किस हिसाब से डिमांड है और उसका केजी साइज का ज्यादा डिमांड है या 2 kg 3 kg का, तो मछली कितना साइज का बनेगा वो वहां पे आपको मार्केट ही आपको बताएगा। मार्केट में जितना जितना साइज का मछली को डिमांड है उतना ही हिसाब से आप मछली को क्या करना है आपको तैयार करना है फिशरी में। तो फिशरी में क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों आप अधिक मछली को 1 kg साइज का आप 1 बीघा में करना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा अपने पॉन्ड में 600 पीस क्या करें मछली को स्टॉक करें। लेकिन दोस्तों स्टॉक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉन्ड को प्रिपेरेशन करना पड़ेगा। शीतल मछली पालने से पहले आपको पॉन्ड को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके ही आप उस मछली को शीतल मछली को डाल के सक्सेसफुल बन सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं ये शीतल मछली फार्मिंग में। तो आपको जब शीतल मछली पॉन्ड आप अपने फिशरी में पालने के लिए जब देंगे उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको फिशरी को दो महीना पहले ही क्या करना पड़ेगा, उसको दाना तैयार करना पड़ेगा। शीतल मछली जो शीतल मछली है उसको खाने के लिए 2 महीना पहले ही क्या करना पड़ेगा, उस पॉन्ड में जिस पॉन्ड में मछली शीतल मछली छोड़ेंगे उस पॉन्ड को 2 महीना पहले ही आपको मछली डाल के, हमेशा याद रख लीजिएगा शीतल मछली खा कर उसको बहुत पसंद आता है और बहुत रेयर जगह पे मैंने देखा है, मैं कुछ जगह पे देखा हूँ जहाँ पे आपको क्या कर सकते आप आर्टिफिशियल फीड भी मछली क्या कर रही है खा रही है। तो 99% आप याद रख लीजिएगा शीतल मछली प्रीफर करती है। तो याद रख लीजिए मोला मछली हो गया, पुठिया मछली हो गया, कुछ ऐसे प्रजाति का जो छोटी छोटी मछलियां हैं इस मछलियों को शीतल मछली बहुत बेहतर ढंग से खाती है। तो वो मछली को क्या करना पड़ेगा, आपको शरीर में 600 पीस के लिए मछली के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पॉन्ड में मछली को छोटा मछली को देके 2 महीना तक उस मछली को ऑटो पूरा बढ़िया से रेडी करके रखना पड़ेगा। 2 महीने जब मछली छोटा साइज का उसमें मछली बड़ा हो जाती है तो ये उस टाइम आप काम कर सकते हैं, जो शीतल मछली है वो पॉन्ड में आप छोड़ सकते हैं। तो 600 पीस 1 बीघा मछली में आप छोड़िए, 600 पीस जब छोड़ते हैं तो उसके बाद आपको क्या होगा कि शीतल मछली का जिस टाइम आप छोड़ेंगे उस टाइम रेट क्या हो सकता है। तो दोस्तों वहां पे भी बहुत सारे लोग शीतल मछली का पोना जब खरीद के लेके आते हैं वहां पे भी लोगों को ठगा जाता है, तो इससे ठग से आपको बचना पड़ेगा। रेट कितना हो सकता है, हाईएस्ट अभी शीतल मछली का नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो 15 से 18 रुपये का बीच रेट हो सकता है पर पीस का। इस चीज को आप ध्यान रखें, शीतल मछली का ब्रीड सही सिलेक्शन करें और उसका रेट मैक्सिमम 15 से 18 रुपये का बीच में हो सकता है। और दूसरा बात दोस्तों, शीतल मछली जो है इसको खाना क्या करना है, आपको छोटे मछलियों को वहां पे आपको रेडी करना है। दूसरा बात, आप मछली जैसे ही शीतल मछली पॉन्ड में छोड़ दिए वो छोटा मछली खाते रहेगी और छोटा मछली जैसे ही कम हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे पॉन्ड से और छोटा मछली उस फिशरी में आपको जुगाड़ धरना पड़ेगा या जुगाड़ देना पड़ेगा। जैसे ही ऐसे करते रहेंगे मछली को, आप याद रख लीजिए शीतल मछली
एक साल में आप मैक्सिमम 600 पीस यदि फिशरी में पाल रहे हैं तो वो 1.5 केजी से 2 केजी का भीतर हो सकती है, 12 से 13 महीना का भीतर। तो ये सारे याद, ये सब पिन पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट करना है और आपको समझना है दोस्तों। और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका शीतल मछली है इसका मोर्टेलिटी रेट, मतलब इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है। ये मछली सर्वाइव, मतलब बहुत इसका मोर्टेलिटी कम होता है, उसका बावजूद भी ये मछली क्या है कि बहुत कम संख्या में ये मछली मरती है। और दूसरा बात क्या है कि ये मछली मछली को खा के बहुत तेजी से ग्रो होती है। तो दोस्तों ये जो शीतल मछली है इसको आप बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं। और दूसरा बात क्या है कि ये शीतल मछली का जो मार्केट प्राइस है ये भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप शीतल मछली क्यों पालन कर रहे हैं ये चीजें आपको पता होना पड़ेगा। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में विशेष तौर से असम में शीतल मछली को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये विशेष एक टाइम आता है जिस टाइम में आप देखेंगे बिहू का टाइम में शीतल मछली को इतना इंपॉर्टेंट दिया जाता है, उसका रेट बहुत हाई रहता है। इसका मतलब नहीं है कि शीतल मछली का रेट सिर्फ बिहू में ही हाई होता है, शीतल मछली हमारे असम से बहुत जुड़ाव है इसका, हमेशा आप देखेंगे कि मार्केट में अच्छा खासा रेट रहता है। अच्छा खासा रेट मतलब क्या है, 2 केजी शीतल मछली यदि है तो 500 रुपया का नीचे इसका रेट पर केजी नहीं होता है। तो दोस्तों एक बीघा में यदि आप याद रख लीजिए आपका फिशरी में 1 केजी करके यदि शीतल मछली होती है तो 600 पीच आपका शीतल मछली को आप मिनिमम 500 केजी प्लस आपका शीतल मछली फिशरी में होगी, ये निश्चित है। तो दोस्तों यदि 500 रुपया करके आपका पर केजी होता है तो 2.5 लाख का क्या होता है फिशरी में मछली होती है। तो ये सारे चीजें हैं, ये बातें 2.5 लाख होगा या इससे ज्यादा होगा ये आपका ऊपर निर्भर करेगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि आपका मार्केट में कितना साइज का मछली आप फिशरी से निकालेंगे ये चीजें आप तय करेंगे और आपका मार्केट तय करेगा कि आपका मार्केट में मछली कौन सा साइज को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। जो साइज का प्रीफर किया जाता है उसी मछली को आप रखिए। दोस्तों एक बात याद रख लीजिए, बिजनेस एक ऐसा चीज है, मैं मानता हूं बिजनेस एक ऐसा चीज है जिस चीज को एक सिस्टम है। मैंने 3 चीज आज मेंशन करूंगा दोस्तों, ये जो 3 चीज है आपको सफलता का राह पे लेके जा सकती है। ये 3 चीजें हर एक व्यक्ति के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो व्यक्ति अपने कामों में लगाव रखता है। तो दोस्तों ये दो तीन चीज है, ये 3 चीज क्या हो सकता है आपको सफल बनाने में सबसे अहम रोल अदा कर सकता है। आपको सफल बनाने का ये 3 चीज ही आपको क्या हो सकता है, जरिया हो सकता है। तो ये 3 चीज क्या है दोस्तों, आपको सक्सेस बनना है तो कहीं ना कहीं कोई एक सिस्टम में जुड़ाव करना है। दोस्तों फिश फार्मिंग आपके लिए एक सिस्टम है, ये फिश फार्मिंग जो आप कर रहे हैं ये आपके लिए एक सिस्टम बन के तैयार हो रहा है। इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टिन्यूअसली हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा यदि आप सक्सेस बनना चाहते हैं। सिस्टम को सपोर्ट कीजिए, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको पास दिखेगा। दोस्तों आप ये 3 चीज, सिस्टम को आप सपोर्ट कीजिए, सक्सेस आपका सामने खड़ा होके आपका सामने खड़ा रहेगा। तो ये 3 चीज आप फॉलो कर लीजिए, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं ये 3 चीज फॉलो कर लेंगे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, इस मंत्र को जो समझ लिया और जो पढ़ लिया उसको रोक पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों ये 3 चीज आप फॉलो कीजिए, इसी 3 चीज पे आप आगे बढ़िए, मैं मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे हो सके तो इस चैनल को शेयर भी करें। तो दोस्तों मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने फिश फार्मिंग में मैंने देखा है शीतल मछली एक उभरता हुआ एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको जो जो लोग करेंगे मैं मानता हूं कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल में रहेंगे। आज का दिन में दोस्तों एक बात आपको पता होगा, आज का जो टाइम चल रहा है इस टाइम ये बग ये परिस्थिति ये कंडीशन ये बहुत कंपटीशन वाला है। आप भेड़िया का पाल में मत फंसिए, जो लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग कीजिए। देखिए फिश फार्मिंग कीजिए, फिश फार्मिंग बहुत सारा चीजें जुड़ा हुआ है, उसमें से आप जो कर रहे हैं बहुत कम लोगों को कर रहे हैं वही ऐसा रास्ता निकालिए जिससे आप हमेशा क्या रह पाएंगे, सबसे आगे खड़ा रहेंगे। तो ये अभी देखिए जो न्यू चीजें आ रहे हैं उसको सबसे पहले अडॉप्ट कीजिए, सबसे पहले उस फार्मिंग को आप स्टार्ट कीजिए। आपसे देख के हजारों लोग करेंगे, जो देख के करेंगे वो आपसे हमेशा कम प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि जब देख के करते हैं तो मार्केट ऑलरेडी एक्सप्लोर हो जाता है। मार्केट एक्सप्लोर होने से पहले आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद एक्सप्लोर कीजिए। देखिए आपका साथ, हर बिजनेस आपका साथ रहेगा और आप उस बिजनेस को बहुत स्मूथली क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं और उससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।